गुरु कृपा क्रेकर्स की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोप्राइटर अम्बेश शर्मा, पूर्व सभासद, महानगर अध्यक्ष, फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल। प्रोप्राइटर किशन शर्मा, पता शनि देव मंदिर के पास, पियड़ी जैन इंटर कॉलेज गेट के सामने, रामलीला चौराहा, कोटला रोड, फिरोजाबाद। राजीव क्रेकर्स व राजीव फायर वर्क्स की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोप्राइटर राजीव शर्मा, महानगर अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद। पता सीबी गेस्ट हाउस मार्केट, गोपाल आश्रम के सामने, बाईपास रोड, फिरोजाबाद। साई क्रेकर्स और लक्ष्मी क्रेकर्स की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मी क्रेकर्स, पता कोटला रोड, मोहल्ला दखल, नाले की पुलिया, दयाल मार्केट, फिरोजाबाद। साई क्रेकर्स, पता यादव मार्केट, हिमायूपुर चौराहा, सुहाग नगर, फिरोजाबाद। पटाखे ही पटाखे, पता रहना की पुलिया से आगे, आरआरएस रिसोर्ट के पास, फिरोजाबाद। प्रोप्राइटर सोनू शर्मा, राहुल शर्मा, बॉबी शर्मा, विशाल पचौरी। पार्षद अशोक राठौर, पत्नी संगीता देवी राठौर की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अशोक राठौर, पार्षद बसपा, वार्ड नंबर 28, हिमायूपुर नगर निगम, फिरोजाबाद। संगीता देवी राठौर, पत्नी पूर्व पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 28, हिमायूपुर। पार्षद विनाका देवी राठौर, पति गेंदालाल राठौर की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। विनाका देवी राठौर, पार्षद गेंदालाल राठौर, पार्षद पति, वार्ड नंबर 29, टापा खुर्द नगर निगम, फिरोजाबाद। जादौन स्टूडियो की तरफ से समस्त जनपदवासियों व प्रदेशवासियों को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोप्राइटर शुभम जादौन, पता फरेहा रोड, नारकी, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में आज 1 नवंबर को यातायात माह के शुभारंभ के दौरान वरिष्ठ पुलिस फिरोजाबाद की अनूठी पहल, ऑटो चालक श्री हरीश जी को मुख्य अतिथि बनाकर कराया यातायात माह का शुभारंभ। मुख्य अतिथि ऑटो चालक श्री हरीश जी द्वारा फीता काटकर, गुब्बारे एवं सफेद कबूतर उड़ाकर एवं ऑटो चालकों को ड्रेस वितरित कर यातायात माह का किया शुभारंभ। फिरोजाबाद से देखिए हमारे संवाददाता राहुल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। सम्मानित सदन, सारे पत्रकार साथी, समाज सेवी, एनसीसी के कैडेट, पुलिस अधिकारी और जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हरीश जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। एक मैं मौके से देख रहा था, एक नई प्रथा फिरोजाबाद पुलिस ने चालू की है और इसके लिए मैं सीओ साहब, एसपी आरए, एसपी सीडी साहब और एसएसपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन इसलिए करूंगा। एक ऑटो चालक से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कराना एक ऐसा संदेश देना है कि पुलिस आप लोगों के साथ है। अभी तक होता था अधिकारी अधिकारी करते थे, नेता आ जाते थे, लेकिन इस सामाजिक प्लेटफॉर्म पर सबके एक ओपन मंच में एक ऑटो चालक है और उनके माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन कराया है। यह संदेश देने का प्रयास किया है फिरोजाबाद पुलिस ने कि हम सब लोग मिलकर इस माह का शुभारंभ करेंगे और पूरे माह नहीं बल्कि पूरे वर्ष और आने वाले समय तक जो ट्रैफिक रूल से हमको फॉलो करेंगे कराएंगे और लोगों तक जागरूकता पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है एसएसपी सर की। सर के आने के बाद तमाम जो एक्टिविटी है बढ़ी है, सामाजिक कल्चर, पुलिस और जनता के बीच जो दूरियां थी उनको भी मिटाने का काम किया गया। उसी के तहत जो नया एक पदपाठी प्रारंभ की गई है, इस बात की मैं धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ। यातायात महा क्या है एसपीआरए साहब ने विस्तार से बताया, सिटी मजिस्ट्रेट सर भी मौजूद है और तमाम अधिकारी हैं, सब समाज के जागरूक व्यक्ति हैं। याद है ना कहते हुए एक कहूँगा कि हम सब लोग मिलकर इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। नवंबर माह चूँकि अब सर्दी भी चालू होगी, कोहरा करेगा, फॉग की स्थिति बढ़ेगी, घटनाएं होंगी, तो सुने देंगे ना हाशिम तिरंगा कभी आइए आज हम। इन चलाचार के साथ कविता के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यातायात नियम है ये हम सब के हक में है और हम उस चीज को तो एक्सेप्ट करें जो हमारे हक में हो। और यकीन जानिए
जान से कीमती कोई चीज नहीं है और हम लोग खुशनसीब है, लकी है जो ऐसे अधिकारी हमारे बीच है जो हमारे सेवा में हमारे खिदमत में लगे हुए हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे अचानक से ऐसे आदेश हुआ कि मुझे आप यहाँ खड़े होना जैसे अचानक से आवाज मिली है, तुम्हारी सरहदों पर जरूरत पड़ गई है। आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको 6 नवंबर को एक शाम मैं हरीश तिवारी हूँ, ऑटो चालक हूँ, पुलिस प्रशासन की तरफ से मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है, जिसमें बड़े बड़े प्रथम वाते नेता वगैरह हूँ और मुझे ऑटो वाले को भी सम्मान मिलाया था। मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व की बात है। कैसे मनाएंगे अब यातायात की बात कैसे होगी? यातायात की हम मेहनत करेंगे, ऑटो वाले से कहेंगे चौराहा छोड़ करके साइडों में अपने नियमों का पालन करें, साइडों में ऑटो लगाएं, सवारी उस साइड से बैठा लें, कम से कम सवारी बैठा लें। पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहना चाहिए? पुलिस प्रशासन बहुत सहयोग कर रही है हमारा साहब, इससे बढ़िया और क्या होगा। ऑटो चालक को एक बड़ी मीटिंग में बुलाया गया है, ये बड़े बड़े अधिकारी आए हैं सब, हमें बहुत गर्व की बात है। मुझे इस तरीके का यातायात का कार्यक्रम था और एक ड्राइवर ऑटो ड्राइवर को बनाया, क्या लक्ष्य है उस, क्या किस वजह से बनाया गया? देखिए नवंबर माह हमारा यातायात माह के लिए माना जाता है और अभी विगत सप्ताह में एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी फिरोजाबाद की, पूरा परिवार राजस्थान या कहीं गया हुआ था, वहाँ पूरा परिवार समाप्त हो गया था। हम लोग परिवार वालों से मिले थे, शोक संवेदनाएं व्यक्त किए थे, एक घर की 5 से 7 चिताएँ जली थी। मैंने ये देखा है कि करीब 6 गुना अगर एक हत्या होती है तो 6 गुना मृत्यु होती है एक्सीडेंट से, तो ये जो बहुत बड़ा दानव है एक्सीडेंट, हमें इससे बचना है। हमारा जो माह है यातायात का, मैंने ये सोचा है कि इसको औपचारिक न करके इसको धरातल पे उतारा जाए, जो मनसा है यातायात माह की, यातायात में आके नियमों का पालन किया जाए। मैंने देखा जो जनपद फिरोजाबाद का जो नेचर है, वहाँ पे ऑटो या जो ये बैटरी वाले होते हैं इनकी बड़ी भीड़ रहती है, तो मैंने इनकी मीटिंग करी, इनको इन्वॉल्व किया। इनके हरीश जी हैं, ये भी एक ऑटो चालक, तो मैंने इन सबको इन्वॉल्व किया कि इनका योगदान लिया जाए। इनको मैंने चीफ गेस्ट बनाया, आज सम्मान दिया, शपथ कराई, इनको मैंने जिम्मेदारी दी है। हम और हरीश जी, हम और ट्रैफिक वाले या यातायात वाले टेम्पो वाले सब लोग मिलके, मीडिया से भी मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलके यातायात का पालन करें, क्योंकि इसमें जो क्षति होती है वो अपूर्णीय होती है, जिसके साथ होती है ताउम्र उसको भुगतना पड़ता है। तो हमने ये संकल्प लिया है कि सब लोग मिल करके यातायात का एक आदर्श फिरोजाबाद जनपद में स्थापित करें।